हेलो व्यूअर्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको दिखाने जा रहे हैं जी, जो अपनी i20 आस्था 2024 वेरिएंट आता है उसमें जो उसके MIMID कंट्रोल है वो क्या क्या वर्क करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये कुछ इसका ऐसे स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है। डी कट में अभी स्टेयरिंग व्हील आ रहा है, तो इसका रिसेंटली मॉडल है। तो यहाँ से आप अपने सारे जितने भी हैं फंक्शन MIMID के कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको वन बाई वन सारा फीचर मैं करूँगा एक्सप्लेन। तो नंबर वन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है जी, ये देख सकते हो यहाँ पे आ गई जी फ्यूल इकोनॉमी। तो ये है जी, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ये कैलकुलेट करता रहता है। और उसके बाद अगर यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे इसको, तो ये देख सकते हो वहां से स्क्रॉल डाउन होगा और यहाँ पे आ गया जी एक्यूमुलेटेड इन्फो। यानी कि अभी इसको मैंने रीसेट नहीं किया, तो जैसे बाय डिफॉल्ट मैं लेके अभी ऑडोमीटर रीडिंग इसकी पूरी 300 किलोमीटर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आ रही है 297.7, और इसकी जो अभी माइलेज निकल के आ रही है एक्यूमुलेटेड वो है 10.9 समथिंग, और टोटल ट्रैवल टाइम 18 आवर समथिंग बता रहा है ये। और इसके बाद इसको अगर हम और नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो ये आ गया जी ड्राइव इन्फो। तो ये सेंट ड्राइव होती है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो मैंने ये किया हुआ है, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो ये हर बार कर देता है। तो अभी मैं 14 किलोमीटर के अराउंड इसको चला के आया हूँ, सिटी में ड्राइव रही है। तो उसकी जो माइलेज निकल के आई है 11 आई है, और टोटल ट्रैवल टाइम जो लगा है वो 1 आवर 3 मिनट्स लगे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली बता रहा है। एंड उसके बाद ये टाइम आ गया, ये देख सकते हो आप, ये टाइम आ गया जी ऑटो स्टॉप, मतलब टोटल जो गाड़ी ऑटो स्टॉप हुई है वो कितने बार हुई है। तो ये इसका ऑटो स्टॉप फंक्शन है, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो ये देख सकते हो तकरीबन हमारी 1.5 मिनट गाड़ी बंद रही है, मतलब कि ऑटो स्टॉप का फीचर ये होता है आइडल स्टॉप। तो अभी आप इसको अगर रीसेट करना चाहते हो तो आप इसको होल्ड को लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ से, ये देख सकते हो ओके बटन है, वहां भी लिखा हो होल्ड ओके टू रीसेट। तो अगर हम इसको कर देंगे लॉन्ग प्रेस, तो ये देख सकते हो ये रीसेट हो गया है। उसके अलावा अगर आप इसको ड्राइव इन्फो को भी रीसेट करना चाहते हो, तो यहाँ से इसको आप लॉन्ग प्रेस करके, ये देख सकते हो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो देख सकते हो आप बिल्कुल रीसेट हो गया। तो अगर आप कोई ट्रिप स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे इसको रीसेट करके चल सकते हो। और क्यूमुलेटेड माइलेज आपके टोटल ट्रिप की माइलेज रहने वाली, लेकिन मैंने इसको अभी तक रीसेट नहीं किया है, तो ये तकरीबन वही माइलेज दिखा रहा है। तो ये आ गया जी इसकी सारी माइलेज के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, तो नेक्स्ट में अगर आपने होना है यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, यहाँ से स्विच करोगे तो ये आ गया अपना जी TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सारे टायर्स की जो है वो एयर बता रहा है, तो तकरीबन सब में 50, 50, 49 ये दिख रहा है, एवरेज दिखा रहा है कितनी टायर प्रेशर हमारा है इस टाइम। तो अभी तक मैंने इसको रिफिल नहीं किया एयर को, तो जो बाय डिफॉल्ट अभी इसकी आई है, मतलब फैक्ट्री जो भी रिफिल होके आई है वही एयर है इसमें, यहाँ पे और कुछ नहीं होता सेकेंड वाले में। थर्ड में आओगे तो यहाँ पे आपको सारी यूजर आईडी की अपनी मैनुअल सेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फर्स्ट वन पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया लाइट, तो जो भी आपने फंक्शन ओके करना था, ये देख सकते हो ओके बटन प्रेस करोगे तो वो आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गए जी मैक्सिमम आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए। तो ये जो ब्राइटनेस दिखा रहा है वो है जी आपके इसकी डिजिटल कंसोल की, ये देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस आप कम कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे जो इसकी ब्राइटनेस है वो प्लेयर की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर रही है, प्लेयर्स की लाइट देखोगे नीचे, एसी की लाइट देखोगे सारी कम ज़्यादा कर रही है। तो इसको भी हम देख सकते हो, ये सेंटर में रख देंगे 12 इसकी। और उसके बाद आ गया जी वन टच टर्न इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर ऐसे वर्क करते हैं, लाइक जब आप हाईवे पर जा रहे हो तो आपने लेन चेंज करनी होती है, तो आपको पूरा जैसे ऐसे इंडिकेटर ऊपर मतलब लगाना नहीं पड़ता, तो आप जस्ट वन टैप करोगे तो इंडिकेटर फ्लैश होके बंद हो जाएगा। तो इसमें आप 3-4 तरह की सेटिंग कर सकते हो, देख सकते हो इसको ऑफ रख सकते हो, तो 3 फ्लैशेस कर सकते हो, मतलब 3 फ्लैशेस देगा उसके बाद बंद हो जाएगा, 5 फ्लैशेस और 7 फ्लैशेस। तो मैंने इसको 7 पे किया हुआ है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो लाइक यहाँ पे 5 कर सकते हो। तो अब ये वर्क कैसे करेगा वो आपको बता दूं, आपने नॉर्मल आप इंडिकेटर लगाते हो किसी भी गाड़ी में तो आप इसको ऊपर उठा देते हो तो इंडिकेटर लग जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट आपको हल्का सा प्रेस करना है, ये देखोगे आप जस्ट हल्का सा प्रेस करोगे तो इंडिकेटर लग गया है, और जैसे कि हमने 5 फ्लैशेस किया तो उसके बाद देखना ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया है। तो ये इसका फीचर है कि अगर आपने लेन चेंज करनी है हाईवे पे तो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया जी हेडलैम्प डिले, तो ये डिले फंक्शन जो है वो है जी अगर आप इसको ऑटो में रखते हो, तो अगर किसी आप जाते हो मतलब कि सनलाइट में जा रहे हो, आप किसी ब्रिज के नीचे अंडर ब्रिज से जा रहे हो, कहीं पे अंधेरा आ गया एकदम से, तो हेडलैम्प का डिले है वो कितना रहे, तो यहाँ पे टाइमर नहीं दिया हुआ बट आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो, तो थोड़ा सा डिले होके इसके जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी।
देन उसके बाद देख सकते हो इंटीरियर लाइट ऑन ऑफ, तो जो इसके आप ये लाइट्स हैं इसको कंट्रोल करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम आ जाएं इसके नेक्स्ट बैक आ जाएं, उसके बाद आ गए जी डोर। तो डोर में जो आपको फंक्शन मिलने वाले हैं वो है जी ऑटो डोर, ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ऑटो लॉक है जी इनेबल ऑन स्पीड। तो इनेबल ऑन स्पीड अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो इसका ये फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सारे आपके डोर्स लॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको नीचे से ऑफ भी कर सकते हो, तो फिर आपको गाड़ी जो अपनी मैनुअल लॉक करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको ऑटो पे लगा रखा है और यहाँ पे है। देन इसके बाद क्या ऑटो अनलॉक, ऑटो अनलॉक में है जी अगर आपका आप इसके इंजन को ऑफ कर देते हो तो गाड़ी अपने आप से अनलॉक हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो हमारे डोर्स लॉक हैं, इधर से भी लॉक है, ये सारे डोर्स हमारे लॉक हैं। तो अभी जस्ट अगर मैं इसके इंजन को ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हो ये डोर्स का जो लॉक है अपने आप से अनलॉक हो जाएंगे सारे डोर। तो ये देख सकते हो अभी इसको इंजन को ऑफ करते हैं, तो जैसे ही इंजन को ऑफ किया ये देख सकते हो डोर सारे इसके अनलॉक हो गए हैं। तो ये इसका फीचर है ऑटो अनलॉक का, मतलब कि आपको जब इंजन ऑन करते हो तो गाड़ी मैन्युअली अनलॉक नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हम फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे देखते हो अगर स्टार्ट करते हो तो ऐसे कुछ सिस्टम चेक दिखाता है और यहाँ पे ये सर्विस इंटरवल हमने लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट इसका देख सकते हो जी इसके आ गया कन्वीनियंस फीचर। तो इस फीचर में क्या क्या मिलता है आपको वो बताते हैं। तो ये है जी आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया सबसे पहले वेलकम, ये फीचर आ गया इसका वेलकम मिरर का। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप डोर्स को अनलॉक करते हो यानी कि रिमोट की से इसको अनलॉक करते हो तो इसके जो वेलकम मिरर है यानी कि ORVM है तो ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे सारे इसके मिरर। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो कि अगर आप अनलॉक करते तो खुले, और उसके बाद सेकंड इसमें जैसे कि आपको पता है टॉप वेरिएंट में इसके आता है ड्राइवर अप्रोच। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ड्राइवर साइड से इसकी की लेके स्मार्ट की लेके पास में आओगे तो वेलकम करने के लिए इसके जो ORVM अपने आप से खुल जाते हैं, और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो जस्ट यहाँ से टिक हटा सकते हो तो उसके बाद आपके जो ORVM अपने आप से नहीं खुलेंगे। तो ये है इसका फीचर वेलकम फीचर। देन इसके बाद इसकी है वायरलेस चार्जिंग। तो ये वायरलेस चार्जिंग जैसे कि इसमें आस्था वेरिएंट में ये वायरलेस पैड आता है और यहाँ पे जब आप फोन रखते हो तो ये लाइट ऑन होती है, बट यहाँ पे अगर इसको आप वायरलेस चार्जर को इसका टिक हटा दोगे तो ये चार्जर बंद हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया जी वाइपर लाइट्स ऑन डिस्प्ले। अगर आप वाइपर चलाते हो तो उसकी जो लाइट्स डिस्प्ले होती है ये उसके बारे में, अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हो तो मैंने जितने भी फंक्शन है सारे ऑन रखे हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो टिक हटा के। देन उसके बाद आ गया आईसी रोड वार्निंग। जैसे लाइक अभी कहीं आप जाते हो हिली एरिया पे वहां पे आइस है तो स्लिपरी रोड है तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिखा देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इसके फीचर थे कुछ कन्वीनियंस में। देन इसके बाद आ गया जी सर्विस इंटरवल। तो अगर आप गाड़ी चलाते हो और आप माइंड में आपके स्किप हो जाता है कि इसकी नेक्स्ट सर्विस कब होनी है तो आप यहाँ पे जस्ट टिक लगा के इसको सर्विस इंटरवल को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको 1500 किलोमीटर पे सेट किया हुआ विद इन वन मंथ, तो आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, अगर कम ज्यादा करना चाहो तो यहाँ से इसके इसी स्विच से सारे वर्क होंगे तो यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये है इसका अपना, ये आ गया आपका सर्विस इंटरवल का सारा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो इसको जस्ट सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। देन इसके बाद देखोगे अदर फीचर्स में आप क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आ गया फ्यूल इकोनॉमी। तो ये आ गया वही फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि जब व्हीकल ऑन होगा तो आपकी रीसेट हो जाएगी, या आप रीफ्यूलिंग करते हो तब रीसेट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो जस्ट आप इसको ऑफ रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है, तो मैंने व्हीकल ऑन पे किया था तो इस वजह से वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर हो जाती थी। तो अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आ गया ये टेम्परेचर यूनिट। तो अभी यहाँ पे आप टेम्परेचर देखोगे 40°C दिखा रहा है, आप चाहो तो इसमें यहाँ चेंज कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया टायर प्रेशर यूनिट। तो ये टायर प्रेशर यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कौन से उसमें देखने चाहते हो। फॉर्मेट में हमने PSI पे किया हुआ है, आप चाहे तो KPA और बार में भी कर सकते हो। तो यहाँ से सेम यही आपका टॉगल बटन रहेगा, अप डाउन करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे इसके MMID के कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आप फीचर आपको नहीं समझ आया दोबारा पूछना चाहते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास भी है गाड़ी, आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ, तो आप नीचे दिए mail ID पे हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो, या सिंपली आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और i20 के रिलेटेड आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, सो कोशिश करेंगे वो वीडियोस भी आपके लिए जल्दी बनाएं। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।